मेरी भाई फाइनली वंदे भारत की तरफ हमें पैरेलल देखने को मिला। कहना पूरा सेफ्टी का भी ध्यान दिया जा रहा है, तो ये हो गया गेट क्लोज। सबसे मेन चीज जो मेरे को आपको दिखानी है वो है ये है वेंडिंग मशीन। पर भाई पहले दिन ही इतना ज्यादा रश है, काफी लोग 140 करीब हमने टच करा, 140 टच किया, तो हम बहुत परेशान थे। अब ऐसे ही सर्विस आया, हमें पता आधा घंटे में दिल्ली से आपको नोएडा से गुड़गांव जाना, तो ब्लू लाइन से रेड लाइन, रेड लाइन से चेंज करना पड़ेगा। जी जी, बट आरआरटीएस में ऐसा नहीं है। अच्छा। ट्रेन ट्रैक चेंज कर। जी कैमरा जी, सारे सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ देश की पहली आरआरटीएस का सेकंड फेज कवर करने के लिए, और आज इसका फर्स्ट कमर्शियल रन है। और आपको पता होगा अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, तो भाई मैंने अक्टूबर में 2023 में लगभग मैंने कवर किया था इसका फर्स्ट फेज, जो कि साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक चला था। और आज शुरू होने जा रहा भाई मोदी नगर नॉर्थ से लेकर टिल साहिबाबाद, टोटल स्ट्रेच है 34 किलोमीटर का। पहले चलता था टिल लगभग 17 किलोमीटर, तो 17 किलोमीटर और एड हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगा फिर से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर भाई पहले दिन ही इतना ज्यादा रश है, काफी लोग ट्रैवल करने आए हैं। अभी यहाँ पर इसलिए इतने लोग नहीं है क्योंकि दिस वन इज प्रीमियम सेक्शन, हमने प्रीमियम वाला टिकट लिया है। स्टैंडर्ड भी मैंने आपको पहले दिखाया, लेकिन आज फिर दिखा देंगे। एक दो स्टेशन पहले प्रीमियम दिखाएंगे, देन हम स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। और यहाँ पर देखो काफी लोग मतलब एक्साइटेड भी है क्योंकि आज फर्स्ट रन होने वाला है। और आपको पता है जहाँ भी फर्स्ट रन होता है भाई, और लोग तो भाई एक्साइटेड रहते हैं। कोई भी बात करो, चाहे अंडर वाटर मेट्रो करने गया था कोलकाता, फिर मैं आगरा करने गया था तब भी बहुत रश था। तू भी गया था ना साथ में, यहाँ पे भी रश है काफी। यहाँ पे भी काफी रश है। और भाई कैसा लगा, एक्साइटेड है जर्नी के लिए? बिल्कुल एक्साइटेड, पहली बार ना, फर्स्ट टाइम है। और स्पीड देखेंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, गेस कर। 160 चलती है भाई मैक्सिमम, इसको परमिशेबल 160 दी हुई है, कैपेबल 180 तक है। तो चलिए चलते हैं भाई अंदर, जैसे अपनी ट्रेन आती है आपको दिखा। जब भी आप आएंगे ना प्रीमियम के लिए, तो आपको एक बार नीचे मतलब टच करना पड़ेगा, और एक बार इधर जैसे ये देखो गेट खुल गया, तो प्रीमियम में दो बार आपको टैप करना पड़ेगा। ये भाई फाइनली आ चुकी है अपनी, देख लो ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी अगर आपको साहिबाबाद साइड जाना है। और वैसे भी अभी के लिए डेड एंड ही है, इससे आगे तो मतलब आपको पता चल ही नहीं रही है। आज पहली बार ही यहाँ से स्टार्ट हो रही है। राइवल देखो यार, आगे से शेप देखो इसकी यार, कितनी कमाल की शेप दिखती है ना यार, पूरी बुलेट ट्रेन है भाई, और स्पीड भी बुलेट जैसी है। अभी हम प्रीमियम वाले में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लॉन्च भी मिल जाता है आपको। अभी यहाँ को आपको पता नया खुला है यहाँ पर, ये पूरे फूल मॉलों में भी लगी हुई है। आने वाले टाइम में यहाँ पर वेंडिंग मशीन, जो कि मैं आपको साहिबाबाद में दिखाऊंगा, इस ट्रेन के अंदर भी वेंडिंग मशीन है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो भाई बिल्कुल नया चीज़ें भाई, निकलने वाली है ट्रेन, फटाफट चलते हैं अंदर क्योंकि ऑटोमेटिक डोर्स हैं, ऐसा ना हो बंद हो जाए। और यहाँ पर देख लो भाई पूरे भाई फूल मालें लगे हैं। ओके वाह भाई वाह, फाइनली वापस से यादें ज्यादा होगी, आपको अच्छे से इंटीरियर दिखाएंगे। फाइनली हम निकल चुके हैं मोदी नगर नॉर्थ से। अब आपको मैं सारे स्टेशन बता देता हूँ, तो देख लो ये इसका मोदी नगर नॉर्थ से हम चल रहे हैं। अगला है मोदी नगर दक्षिण, ठीक है जी, फिर मुराद नगर, दुहाई, पहले यहाँ तक चलती थी दुहाई, दुहाई डिपो तक, और फिर टिल हम साहिबाबाद तक ट्रैवल करेंगे। पर आपको 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, दो सीट्स यहाँ पे, दो सीट्स यहाँ पे, और यहाँ पर देख लो अगर आप इन केस ऑफ आप खड़ा रहना चाहते हैं तो इसको आप पकड़ के भी खड़े हो सकते हैं। सीसीटीवी मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी अच्छा है। दो वहां पर है यार, क्या ताबड़तोड़ क्रॉसिंग भाई, गायब भाई। अच्छा मैं आपको अपना कुछ फीचर्स बता देता हूँ, प्रीमियम और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होता है। प्रीमियम में देखो पहली बार तो आपको एक रिक्लाइनर मिल जाएगा, ये जो सीट्स है ना ये पूरी रिक्लाइन हो जाती है। ये देखो भाई आप अपनी कंफर्टेबली जर्नी कर सकते हैं। कंफर्टेबली नहीं, आराम से बैठ के करता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इसमें ब्लॉग बनाने नहीं ट्रेवल करने आया हूं, क्योंकि जितनी भैया के जितनी भी वीडियो देखी है ना मैंने, हमेशा इन्होंने वीडियो बनाई, शायद कभी ट्रैवल नहीं किया होगा ऐसे ना। नहीं ऐसे कभी ट्रैवल नहीं किया, मतलब जब भी हम कंटेंट के लिए आए हूं, वीडियो बनाने आए हूं, आज मेरे साथ हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच भैया को यार, लेकर आए हैं और पूरा अच्छे से शूट भी करा रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, बढ़िया यार। और यहाँ पर ये सही लगा, यहाँ पर आपको प्रीमियम में लैपटॉप के लिए भी चार्जिंग मिल जाएगी, लैपटॉप और मोबाइल दोनों, मोबाइल के लिए भी। हाँ। पूरा ध्यान रखता है एनसीईआरटी से, सही कह रहे हो भाई, लैपटॉप है अपना, निकालो काम करो मस्ती से जाओ। और यहाँ पर देख लो भाई क्या ही कम्फर्ट है यहाँ पर, ये देख लो यहाँ पर आपको लेग रेस्ट मिल जाएगा, और ये हो गया मैगजीन होल्डर, दिस वन इज आपको मैं बता दूं अगर आपको वाटर बॉटल रखनी है तो यहाँ पर आपसे रख सकते हैं। और ये हो गया कोट टांगने के लिए अगर आपको शादी में जा रहे हैं, आपको पता काफी लोग भाई मतलब शादियों के लिए भी जाते हैं और यहाँ पर अपना कोट टांग सकते हैं। सबसे मेन चीज जो मेरे को आपको दिखानी है वो है ये है वेंडिंग मशीन। अगर आपको ट्रैवल करते हुए भूख लगी या कुछ मन करता है यार कभी भी खाने के, खा लेते हैं, तो यहाँ पर आपको देख लो, थोड़ा क्लोज आएंगे आपको दिखा देते हैं। और एक तो स्पीड इतनी बवाल है ना, इसकी मजा आता है। और यहाँ पर आपको देख लो ऐसे मतलब स्नैक्स मिल जाएंगे, ड्रिंक्स मिल जाएंगी, आप आ रहे हैं
तो आप इसमें मतलब प्रेस करके और ये क्यूआर कोड लगा हुआ इससे पेमेंट करके आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। काफी यूनिक है, मतलब ऑलमोस्ट आने वाले टाइम में जब मेरठ तक चल जाएगी तो एक घंटा लगने वाला ट्रैवल का, 82 किलोमीटर का, उसमें आपको कुछ भी चीज मिल जाएगी। आज मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता था कि आपसे मतलब आपको बताया जाए कि जो भी हमारे साथ ट्रैवल करे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सर आपका नेम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है, मैं रिटायर्ड हूँ और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये ट्रेन जो पहली बार चली है। आपको कैसा लग रहा कि आज पहला दिन कमर्शियल रन है, जो कनेक्टिविटी और बढ़ गई है मोदी नगर तक, अब साहिबाबाद जाना इजी हो गया है? इजी हो गया। तो मतलब आप इसके बारे में टोटल ओवरऑल में बात करूँ, प्राइस, कम्फर्ट, स्पीड सब बेस्ट है, सब बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आने वाले टाइम में आपको पता ना पहले क्या होता था, अगर आपको मेरठ से जाना होता दिल्ली तो लगभग 2.5 से 3 घंटा लग जाता था। हाँ। आराम से ट्रैवल में अब मोदी नगर निकलने में एक एक घंटा लगता था मैं। अच्छा, जाम और ट्रैफिक बहुत लगता था। सर हम अभी रिटायर्ड है, हम दिल्ली सर्विस करते थे, मोदी नगर से दिल्ली जाया करता था, शाम को 5:30 बजे ऑफिस छूटते हैं, घर आते आते कभी 11 बजे, रात को 12 बजे, 12:30 बजे होते थे। अच्छा जी। हाँ, तो हम बहुत परेशान थे, अब ऐसा ही सर्विस आया, हमें पता आधा घंटे में दिल्ली से हम अपना घर पहुंच जाएंगे। क्या बात है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और जैसे भैया मुझे बता रहे थे कि वहाँ की जैन चिकन जी चिकन। काफी, मैंने ना एक्चुअली जब मैं आता था सहारनपुर से दिल्ली तो रास्ते में हाईवे पे मैंने पी हुई एक दो बार, बहुत बढ़िया, काफी फेमस होती है, ये फेमस है। तो ठीक है भाई, अगली बार जैन चिकन जी ट्राई करेंगे जरूर जरूर, अभी एक बार तो चले जाते हैं शूट, अगली बार आएंगे तो जैन चिकन जी जरूर से पी के जाएंगे। तो बहुत बढ़िया लगा है, देखो गेट ओपन होंगे फिर यहाँ पर एक ग्रीन लाइट आएगी, ये आ गई लीजिए भाई, खुल जा सिम सिम। तो देख लो ये है मुरादनगर रेलवे स्टेशन, अभी मेरा थोड़ा बहुत काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीमियम सेक्शन है, इसका मतलब हो रहा है अंदर चलते हैं, आजो आजो आजो, फिर चलेंगे अपा गाजियाबाद के बाद, वो दिखा देंगे आपको। ठीक है भैया, गए अभी वहाँ दिखाने के लिए। अभी देखो रफ्तार पकड़ रही है आपको, ये अभी फिलहाल स्पीड ये 130-120 ऐसा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन थोड़ी देर में आप देखना ये लगभग 160 क्रॉस करेगी, मतलब 160 तक जाएगी। ये आ रहा है अपना दुहाई रेलवे स्टेशन, दुहाई स्टेशन आया है। मैं पहले बता दूं, पहले जो ये आ रहा TSC ना, ये पहले चलती नमो भारत ट्रेन दुहाई डिपो तक, दुहाई तक चलती थी बेसिकली, और अब फिर एंड टू एंड जो मैं आपको सेक्शन दिखा रहा हूँ ये चल पड़ी। पहले था 17 किलोमीटर चलती थी, अब 17 और एड हो गया, टोटल 34 हो गया, और 82 का टोटल रहेगा ना आने वाले टाइम में। दिल्ली से मेरठ का जो सेक्शन है वो 82 किलोमीटर का रहेगा, जिसमें से 34 किलोमीटर का स्ट्रेच अब कंप्लीट हो चुका है, आप भी ट्रैवल कर सकते हैं। इससे भी निकल रही है और एक उधर भी आई है। अच्छा, ये दुहाई डिपो वाली आई है। अच्छा, अगर आपको दुहाई डिपो जाना है तो यहाँ से चेंज करके आप नीचे दुहाई डिपो जा सकते हैं। मैं बता दूं अभी तो भाई शुरुआत है, ये फर्स्ट RRTS है, ऐसी दो और आने वाली है इन फ्यूचर। पहला रहने वाला है, मतलब ये हो गया स्टार्ट, और एक रहेगा दिल्ली से अलवर वाया गुड़गांव, एंड सेकंड रहेगा दिल्ली से पानीपत ना। yes. दिल्ली से पानीपत भी रहने वाला है, तो सही है भाई, मतलब ये फ्यूचर है। अभी तक तो भाई इंटीरियर आपको मैंने सारा इसका दिखाई दिया है, अब 160 आपको दिखाऊंगा। और एक बहुत ही खास चीज जो पॉसिबल हो सकती है वो है वंदे भारत के साथ पैरल, वापस आऊंगा आपको मैं दिखाने के लिए, मतलब वंदे भारत का पैरल होने वाला, वीडियो एंड तक पूरा देखना। यहाँ पर अपने भाई मिले, भाई आपका नेम क्या है? मेरा नाम मनोज है। अच्छा, आप कहाँ से? कालका जी दिल्ली। अच्छा, कालका जी दिल्ली से हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, मतलब इसमें ट्रेन में RRTS में? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मतलब काफी अच्छी ट्रेन है, इवन मैंने आते हुए नॉर्मल क्लास में ट्रेवल किया, प्रीमियम में दोनों क्लासेस बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मतलब आज भी आप भी पहले दिन आज एक्सपीरियंस ले रहे हैं, भाई हमारे जैसे ये ट्रैवलर ही हैं, तो आपको घूमने का शौक है लगता है? पहले दिन आज आया हूँ तो सिर्फ ट्रैवल ही एंजॉय राइड। देखो मैं भी आपके लिए, अभी मेरा ना इवेंट था आज, वो मेरा कम्प्लीट हुआ, आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, बहुत बढ़िया बहुत स्पेशल मतलब इवेंट है, कल या परसों वीडियो आ जाएगा। ये प्रायोरिटी पे आपको पता है कभी कभी कुछ चीजें दिखानी पड़ती है, नई चीजें आती है तो पहले दिखानी पड़ती है। भाई इसकी रफ्तार अभी चल रही है 122, 124, 127, देखते देखते 129, अब देखते हैं भाई क्या 160 जाएंगे हम, 135, और यहाँ पर भी देखो 134 शो कर रहा है, 135, 6, 7, 8 भाई 140 करीब हमने टच करा, 140 टच किया, 141, 2, कैसा लग रहा है, पता लग रहा है भाई 146 हो चुके, 147 भाई 150 हो चुके हैं, और 150 तक गए भाई, 150 तक टच किया हमने, क्योंकि आप देखो ब्रेक लग गया। चलो अच्छा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा सर?
है ना, 150 तक तो मारा, चलो बढ़िया यार भाई। भगाए इसको, कब भगाए भगाए भाई, वो चल रही भैया पैदल पैरल, देखो आगे बोरी 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 बोरी, और भगा 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 भगा, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, वीडियो रील बना ले, फाइनली बंदे भर की तरफ हमें पैरल देखने को मिला, बहुत रेयर होता है और जिसके लिए भाई हम आए हैं। वाह यार, ये है इंडियन रेलवे मेरा प्यार, और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, मजा आ गया यार, क्या सही एक्शन मिल रहा है, इस चीज के लिए वापस आए थे और पूरा ट्रैक किया और फाइनली जाकर हमें मिला ये रेल। वाह यार ब्यूटीफुल, ऐसा देखा कभी नहीं ना, आरआरटीएस ने वंदे भारत को भाई पैरेलल ओवरटेक मारा है, ये आगे पीछे, अब बस यहाँ से लग हो जाएंगे हम। कैसा लगा भैया आपको, कमाल का ना, मतलब भाई सिर घूम गया एक्सपीरियंस, ये देख लेफ्ट में देख, अभी देख, अरे भाई सामने ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये रही वंदे भारत, ओ यार भैया सही ट्रैकिंग सही रही ना अपनी भाई, हमने पहले ट्रैकिंग कर ली थी, पैसा वसूल है पूरा, अब ये एंडिंग वीडियो की पूरी पैसा है ना, हिट शो है भाई, मजा आ गया, मतलब हम सोच रहे थे कि पता नहीं ये ट्रेन पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, लेकिन मैंने बोला था कि भाई पकड़ लेगी, अगर भैया कह रहे थे ये अगर होगी तो पकड़ लेगी, कितनी ऑब्वियस थी भाई, इसने रफ्तार पकड़ के यार, ये लोग वही समझ पाएंगे, ये है फ्यूचर, और आज है वंदे भारत और ये कल है, मतलब 160 मजा आ गया, और मैं बता रहा हूँ आपको बोल रहा था ना, जिस ये वही लोग समझ पाएंगे जो फील कर सकते हैं चीज भाई, वंदे भारत अपना प्यारा, लेकिन ये तो फ्यूचर भी तो भाई बचा दी, एक नंबर बुलेट ट्रेन, ये सब फ्यूचर है भाई, भाई मजा आ गया, जो विंडो से, जो लार्ज जिसके विंडो से देखने को मिलता, टेक शॉट जो आया ना कमाल का था। पहुंची है गाजियाबाद स्टेशन पे, अब आपको मैं बाहर चल के दिखाता हूँ गाजियाबाद की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ गाजियाबाद स्टेशन पे, और ये इस रूट का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और आपको मैं बता दूं आने वाले टाइम में जो जेवर रेलवे अपना एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे मेरे माइंड में ना ट्रेन ही घुसी रहती है, एयरपोर्ट जो बन रहा है ना वो यहाँ से कनेक्टिविटी होने वाली है, और बाकी यार आपको पता है आरआरटीएस की यहाँ पर किंग आ चुके हैं भैया, भैया आप ये बताओ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्चुअली गाजियाबाद का जो आरआरटीएस स्टेशन है, इसमें चार प्लेटफॉर्म, ओके, तो बेसिकली ये जो पूरा स्टेशन डिजाइन किया गया फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया गया, ओके, सो पहले प्लान ये था कि हापुड़ के लिए एक लाइन जाएगी, लेकिन अभी चेंज करके जयपुर से लाइन जाएगी, सॉरी जेवर एयरपोर्ट के लिए जाएगी, जेवर एयरपोर्ट के लिए जो लाइन जाएगी वो यहीं से स्टार्ट होगी आरआरटीएस, तो यहाँ से आप जेवर एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो, और फिर आप जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे आरआरटीएस की कनेक्टिविटी हो जाएगी आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में, क्योंकि वो लाइन प्रपोज्ड है, और बेस्ट पार्ट के आरआरटीएस के ट्रेन मेट्रो में आप देखते हो ना कि आपको ट्रेन चेंज करना पड़ता है, मान लो आपको नोएडा से गुड़गांव जाना है तो ब्लू लाइन से रेड लाइन, रेड लाइन से चेंज करना पड़ता है, बट आरआरटीएस में ऐसा नहीं है, ट्रेन ट्रैक चेंज करेगी, मान लीजिए आप जेवर में बैठ रहे हो, तो जेवर में अगर आप बैठे हो ट्रेन बोर्ड करके, ट्रेन पर लिखा है कि ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रही है या फिर एयरपोर्ट जा रही है इंदिरा गांधी, तो आप उस ट्रेन में बैठी वो ट्रेन आपको ड्रॉप करेगी, आपको ट्रैक चेंज, आपको ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चार प्लेटफॉर्म है, अच्छा एक ये है अभी नॉन फंक्शनल, ये वाला एक, दो वो कंस्ट्रक्ट होगा जब जेवर एयरपोर्ट वाला लाइन बनेगा, तो ये वहां से कनेक्टिविटी हो जाएगी, इधर देखोगे हाँ जी ये एक्टिव वाला है, अच्छा जिस पे मतलब ये चली जाएगी सरायकाले का, साहिबाबाद से जो मोदी नगर चल रही है ना, हाँ जी ये एक्टिव प्लेटफॉर्म है, ओके, ये टुवर्ड्स इधर जाओगे तो ये दिल्ली है, दिल्ली इस तरफ राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिल्ली जा रही है, साहिबाबाद से अभी आप बोर्ड कर सकते हो, हाँ जी हाँ जी, और दूसरी तरफ जो देख रहे हो वो एक्चुअली अप लाइन है, डाउन लाइन है, डाउन लाइन है, ओके, जो आगे जा रही है मोदी नगर, मोदी नगर को जाएगी, मेरठ को जाएगी, मेरठ डाउन है या अप है, तो ये अभी चालू है, और इधर वाला लेफ्ट वाला ये है फ्यूचर प्लान, फ्यूचर का प्लान है, गाजियाबाद स्टेशन को अगर आप बाहर से भी देखोगे एक तरह से जंक्शन हो गया, एक तरह से जंक्शन ही हो गया, ये जंक्शन ही है, और ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बनाया हुआ है, यहीं पे एक्चुअली हमें दिखेगा नहीं बट ड्रोन शॉट की मदद से आप दिखा सकते हो, यहीं पे दिल्ली मेट्रो का स्टेशन है, अच्छा जहाँ जो बीच में आता है, आपको भी मैं दिखाऊंगा जाने वक्त, कॉन्कोर्स लेवल से आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो, तो मान लो कोई मेट्रो से आया तो वो आराम से इस पे आ सकता है, इससे किसी को मेट्रो पे जाना तो वो भी जा सकता है, आराम से जा सकते, बहुत आराम, चलो भाई चलते हैं, अब आपको मैं एक बार प्रीमियम लॉन्च दिखा देता हूँ, जो कि दिखाना मैं रह गया था, यहाँ पर देख लो भाई खाने पीने की चीज़ें, और आपको न्यूज़पेपर, बैठने की फैसिलिटीज, इसलिए भाई किराया भी ज़्यादा लगता है, 180 रुपीज़ इसका लगा है और उसका है 90 रुपीज़, ये एक्सक्लूसिव है, लॉन्च हो गया एक तरह से, और यहाँ पर देखो न्यूज़पेपर है, और खाने पीने के लिए कुछ भी लेना है तो ऐसा करते हैं कुछ निकाल लेते हैं और आपको प्रोसेस भी बता देते हैं। तो यहाँ पर आइटम्स लगी हुई हैं और नंबर लिखे हुए हैं, तो 56 भाई हैं साथ में, दोनों ने 56 प्रेस किया, तो आप कैश से या क्यूआर से पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्यूआर कोड दिया हुआ है देखो,
इससे आप पे करेंगे तो सामान यहाँ पर आ जाएगा। ये सही लगा यार। अपनी जा रही है वापस और यहाँ पर देख लो मैम, ये बटन दबाएंगे तो ये पूरा गेट क्लोज हो जाएंगे। देख लो ये सही है ना, पूरा सेफ्टी का भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये हो गया गेट क्लोज, अभी अंदर से भी गेट क्लोज हो जाएंगे। वाओ, अब यहाँ से ये ट्रेन जाएगी और भाई आगे से जो लुक है ना ये बहुत ही बढ़िया। ये देख लो, ये लोगो है NCRTC का, ये वाला मेन लोगो। पूरी बुलेट ट्रेन है भाई, कोई कमी नहीं है भाई इसमें। हाय हाय, क्या बात है। चलिए जी, बाय बाय। वो देखो एक और RRTS आके खड़ी है, बैक टू बैक है भाई, बैक टू बैक। चलो जी करते हैं एग्जिट, इसको टच करते हैं। और ये देख लो भाई, एग्जिट हो गए हम बाहर। ये सही है भाई। और ये वाला सेक्शन मैंने आपको दिखाया नहीं था ना, चलने वाली तो नहीं वाली, तो चलने वाली नहीं शायद। तो देख लो ये रेड कलर का इसमें, और जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपके आपको वो उसके ओह बंद हो रहा है शायद, तो भाई चलते हैं कहीं बंद हो जाए और गड़बड़ हो जाए। मैं कहा बंद हो जाए और गड़बड़ हो जाए, लेकिन रेड कलर की सीट्स हैं, पुश बैक नहीं होती हैं। और साथ में आपको देख लो USB मिल जाएगा, और जो मैं अपना प्लग होता है लैपटॉप के लिए वो नहीं इसमें मिलता। बाकी ओवरऑल तो भाई काफ़ी मस्त है। ये सीट्स है ना इसकी, ये मुझे बहुत बढ़िया लगती है। आपको यहाँ पर देख लो स्टेशन पे आपको वॉशरूम्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और ये ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। जी मैं ना मैंने आपको बताई थी टिकट कैसे लेनी है, तो टिकट देख लो ये हो गया, आपको मशीन मिल जाएगी। आप बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। स्टैंडर्ड और प्रीमियम दो होंगे, तो प्रीमियम वाले पे क्लिक करेंगे और मोदी नगर तक जाएंगे तो ये देख लो 180 रुपीज़ आएगा। इस पर क्लिक करना है, पैसेंजर एक है, इस पर क्लिक करना है, बाकी जो पेमेंट बोर्ड आ जाएंगे पेमेंट करनी है, बस इतना सा प्रोसेस है। और आपको काउंटर पे मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। आप चैनल पे नए हैं, हमारी मेहनत पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब भाई प्लानिंग करते हैं, कोई हैदराबाद कह रहा है, कोई कह रहा है भाई मुंबई, कोई कह रहा है कलकत्ते, तो लेकिन आज ही चले जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा आज रात में या कल सुबह निकल जाएंगे। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।